शिवसेना पुराना साथी, पुराना सहयोगी है, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। बीजेपी इस बात का जिक्र कर रही है। कांग्रेस खुले तौर पर कह रही है, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि शिवसेना के साथ जाया जाए, बीजेपी के साथ जाया जाए। एनसीपी ये मानकर चल रही है कि शरद पवार जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के तहत ही जाएगी, लेकिन वह भी इस बात से इनकार कर रही है कि दरअसल शिवसेना का हम लोगों ने समर्थन कभी नहीं किया। मजिद मेनन साहब, एक सवाल हर जहन में इस दौर में आ रहा होगा, एनसीपी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है ना? बिल्कुल, देखिए, जनादेश का आदर करना लोकतंत्र की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, और महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र के हित में जो होगा, क्योंकि देखिए शरद पवार का महाराष्ट्र से जो मेल है, जो जोड़ है, वो मैं नहीं समझता कि किसी और किसी अन्य पक्ष के किसी नेता का है। शरद पवार की जो कर्मभूमि है महाराष्ट्र, जहां से वो बने हैं, बढ़े हैं और फिर एक नेशनल लीडर बन के उभरे हैं, तो पवार साहब से बेहतर महाराष्ट्र को कोई नहीं जानता। आज अगर आदेश, जनादेश जो है वो हमारे हित में पूरी तौर पर नहीं है, लेकिन अगर आप टोटैलिटी में देखें तो हम 62 पर थे और हम उसके करीब ही रहेंगे। हमने कोई खासा नुकसान नहीं उठाया, न तो हमसे जनता कोई विशेष तौर पर नाराज है। कांग्रेस के साथ हम थे, हमें थोड़ी कीमत अदा करनी पड़ी कांग्रेस के साथ रहने की, वो हमने बर्दाश्त करनी है, हमारे पास दूसरा कोई पर्याय नहीं है। तो अब यही है कि अगर विपक्ष में बैठना पड़ा तो हम विपक्ष की भी भूमिका बहुत ही अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे। मजिद मेनन साहब, ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरीके से शिवसेना और कहीं ना कहीं शरद पवार की सियासत के इर्द गिर्द ही घुमड़ती रही है। मौजूदा वक्त में आप दोनों इस स्थिति में नहीं हैं कि सत्ता में आ जाएं। बीजेपी उभर कर आई है, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर कर आई है। बीजेपी का आना और अब सत्ता उसी के हिसाब से बनेगी, यह भी लगभग तय माना जा रहा है। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति बदलेगी और शरद पवार यहाँ से अब डाउनफॉल पे शुरू होते हैं और उनका एक तरह से कहें तो राजनीति सिमट जाएगी? मुझे देखिए वाजपेयी जी, मुझे नहीं लगता कि कोई शरद पवार का ये डाउनफॉल है, बल्कि मैं तो अभी एक हमारे मित्र ने हेडलाइंस टुडे पर अभी कहा था कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, किसी भी पार्टी का बने, इन रियल सेंस शरद पवार मुख्यमंत्री होंगे। ये एक तरह का कॉम्प्लीमेंट है शरद पवार को। शरद पवार के राजनीतिक संबंध सभी विपक्षों के लोगों से इतने अच्छे हैं कि लोग ये समझते हैं कि एनसीपी को कोई भी अनटचेबल नहीं मानता और एनसीपी कहीं भी फिट हो सकती है। तो ये इसका तो एक मतलब उपलब्धि है, ये इसका एक मतलब मजिद मेनन साहब, ये है कि कॉम्प्लीमेंट है ये। इसका एक मतलब ये है कि अभी जो आप हमसे बात कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। आखिरी दौर में शरद पवार कोई ऐसा गिमिक कर देंगे जिससे सरकार उनकी बन जाएगी, उनके अनुकूल बन जाएगी? नहीं, ये देखिए, ये तो अभी कहना बहुत मुश्किल है। इस तरह की बातें करने से मैं तो गुरेज करूंगा। मैं ये कहूंगा कि जब आंकड़े आखिरी आ जाएंगे और उसके बाद संवैधानिक सिचुएशन क्या बनती है, राज्यपाल जी क्या किसी पक्ष को निमंत्रण दे सकते हैं सरकार बनाने का, और अगर नहीं दे सकेंगे तो उसके बाद सवाल खड़ा होगा कि भाई कहीं किससे गठजोड़ करना है और किसका गठजोड़ होना है। लेकिन हमने पहले स्पष्ट किया है कि आइडियोलॉजिकली हम भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना से बहुत दूर हैं। अगर हमारा कहीं कोई मेल हो सकता वापस, तो शायद कांग्रेस से या किसी अन्य पार्टी से हो सकता था। इसलिए हम विपक्ष में बैठना उचित समझेंगे, मगर उसके बावजूद भी मैं ये क्वालिफाई कर लूँ कि हमारा नेता शरद पवार जो एक पॉलिटिकल विजनरी है, वो अब सिचुएशन का स्टॉक लेकर एक सही फैसला करेगा। शनवा जी, मैसेज आखिर में देखिए यही उभर के आ रहा है कि आप और शिवसेना मिलकर 175-76 सीट पर फिलहाल आगे चल रहे हैं। दोनों मिलकर लड़े होते तो शायद कुछ और भी तस्वीर निकल सकती थी। इसीलिए ना कांग्रेस कह रही है ना एनसीपी कह रही है कि उन्हें कोई बहुत बड़ा घाटा हुआ है। आप कह रहे हैं आपको फ़ायदा हुआ है, लेकिन आपको उस रूप में फ़ायदा हुआ ही नहीं कि सरकार बने किसकी, उलझ गई चीज़ें। आपका निजी विस्तार है, लेकिन ये विस्तार सत्ता में पहुँचने के लिए नहीं है। शनवा जी, वाजपेयी साहब, जब हमारा गठबंधन ऐन वक्त पे टूटा, हम गठबंधन के पक्ष में थे, सारी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मजबूरी में हमें अलग चुनाव लड़ना पड़ा। हम तो कभी गठबंधन के खिलाफ थे नहीं, लेकिन अलग होने के बावजूद जो हम कह रहे थे कि बीजेपी की एक ताकत है, उसको महाराष्ट्र की जनता चाहती है, और महाराष्ट्र की जनता ने 46 से हमें सेंचुरी से आगे बढ़ा दिया है।
तो इस रिजल्ट का संदेश है कि महाराष्ट्र की जनता के दिल में बीजेपी बसती है, और इसी संदेश को लेकर हम लोगों के बीच में गए थे। और ये सही है कि हमारा जो जिस तरह से हमें पूरी उम्मीद थी कि पूरा बहुमत मिलेगा, उससे थोड़ा कम मिला है, लेकिन नहीं, नहीं, शनवार जी, शनवार जी, देखिए जो राशिद अलवी साहब ने बात कही ना कि ये आपकी जीत नहीं है या उनकी हार है, हम आपसे भी यही सवाल को दूसरे ढंग से पूछ रहे थे कि आप अकेले लड़के क्या मिला। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अब इतने फराग दिल वो हमें जीत के लिए, हम जीते नहीं, जीतने के बाद अगर वो इतने फराग दिल नहीं हो रहे तो उस पर हम क्या कह सकते हैं। हम हाँ नलनी जी, जी देखिए जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ उभर कर आ रही है, लोकसभा चुनाव जो हुए, अभी हुए हैं लोकसभा चुनाव, मई में नतीजे निकले हैं, तो उसके अंदर में जो भाजपा और शिवसेना का इकट्ठा प्रदर्शन था उसको बहुत ही अच्छा माना जा रहा था। तो ये है कि अब जब ये जुदा हुए हैं, कम तो इस बार तो बहुत कम हो गए ये लोग, तो इसके लिए ये क्या हुआ, मतलब कि क्या जो महाराष्ट्र की जनता है उसने पहले इनको जो संयुक्त रूप में महायुति रूप में देखा वो पसंद किया, अलग अलग रूप में इतना पसंद नहीं कर रही, ये क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठ रहा है। 6 महीने में परिवर्तन अमूमन नहीं हुआ करता है ज़्यादा। शर्मा जी 235-38 सीट पर मेरे ख्याल से आगे थी बीजेपी और शिवसेना मिलकर, और वोट परसेंटेज ज़्यादा हुआ शायद वोटिंग। इसका एक बहुत छोटा सा कारण है, अगर दोनों पार्टियाँ एक साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके वोट बटे हुए हैं, मतलब अलग अलग पॉकेट्स में, और आपको सीटें ज़्यादा मिलेंगी। मान लीजिए दोनों शिवसेना और बीजेपी गठबंधन के साथ असेंबली का भी चुनाव लड़ते हैं, निश्चित रूप से जो सीटें अभी आपको दिखाई पड़ रही हैं उनसे ज़्यादा सीटें मिलती, क्योंकि वो अपने पॉकेट्स, स्ट्रांग पॉकेट्स में चुनाव लड़ते हैं। यही कारण है कि लोकसभा की तुलना में अभी इनकी सीटें कम दिखाई पड़ रही हैं। एक चीज़ देखिए कि 6 ओपिनियन एग्जिट पोल आए थे और 6 में से किसी ने भी इतना कम भारतीय जनता पार्टी को नहीं बताया था। ये एग्जिट पोल जो है वो फेल हुए, ये आपको मान लेना चाहिए। महाराष्ट्र में फेल हो गया, हरियाणा में ठीक गया है वो, चैनल ने दिया था। नहीं, जो 32 बता रहा था उसका कहाँ सही गया? हाँ, जो 32 बता रहा था वो सही नहीं गया। अभी देखिए ना कि इसमें कितना तुक्का है और कितना विज्ञान है मुझे नहीं पता। 32 से लेके 52 का बताया गया था हरियाणा में, या तो 52 वाला ठीक है या 32 वाला ठीक है। हाँ। लेकिन महाराष्ट्र में तो सबने बताया था, कोई भी आपका फिर भी 124 के आसपास था, लेकिन 110-111 तो किसी ने नहीं बताया था, किसी ने नहीं बताया था। सारे जितने महाराष्ट्र में सारे एग्जिट पोल फेल हुए हैं, ये मानना चाहिए। शनवा जी, लोकसभा चुनाव में आप लोग मिलकर लड़े थे तो लगभग, अच्छा शहनवाज जी चले गए हैं, हम उनका जवाब जरा सा आपसे ले लें। आप एक चीज़ बार बार आ रही थी, आरएसएस बिल्कुल नहीं चाहता था कि गठबंधन टूटे, और मैसेज ये बम्बई से बार बार निकल कर आ रहा था शिवसेना की तरफ से कि अमित शाह बार बार चाहते हैं कि गठबंधन टूटे, उस दिशा में कदम बढ़ा रहे थे। ये राजनीतिक विस्तार अगर जरूरी है बीजेपी के लिए, जहां वो अकेले 100 का आंकड़ा पार कर गए, ये महत्वपूर्ण है, या दूसरी तरफ ये महत्वपूर्ण था कि दोनों मिलकर लड़ते तो दोनों की संख्या भी बढ़ जाती, हो सकता था 100 से ज़्यादा वाकई बीजेपी अपने बूते जीत जाती, 110 तो मान लीजिए आ ही गई है। प्रसून जी, उस समय की प्रक्रिया देखिए, शिवसेना इतना इनफ्लेक्सिबल हो गई थी, एकदम अडिग हो गई थी कि इससे हम टस से मस नहीं होंगे, और शिवसेना को लगता था कि उसकी राजनीतिक वजूद का सवाल है, और वो एक पॉलिटिकल ईगो में टर्न हो गया था, इसलिए मुझे लगता था अलायंस टूटने की पूरी जिम्मेदारी उस वक्त शिवसेना की थी। बीजेपी ने जो भी फार्मूला दिया उसको शिवसेना ने स्वीकृत कर दिया कि अब कोई बात नहीं होगी। शिवसेना से जो बात करने के लिए लोग आते थे उसमें वरिष्ठ नेता नहीं थे, उद्धव ठाकरे के सुपुत्र थे, देखिए वो किसी को भेज सकते थे, लेकिन उसमें परिपक्वता का भी अभाव है, अभी वो एक बच्चा है राजनीति में, और वो बात कर रहे थे वो माथुर से बताइए। तो मुझे लगा कि शिवसेना की को ग्राउंड रियलिटी को पहचानना चाहिए। देखिए डैमेज दोनों पार्टियों को हुआ है, निश्चित रूप से डैमेज हुआ है। आज महाराष्ट्र में एक स्पष्ट सरकार बनती, भारतीय जनता पार्टी द्वितीय स्थान पर रहने के लिए तैयार थी कि शिवसेना को अधिक सीट मिले, बीजेपी को कम सीट मिले। आज लेकिन इस चुनाव ने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर महाराष्ट्र की नंबर एक पार्टी है। अब सरकार बनती है नहीं बनती है, कैलकुलेशन क्या होता है, ये बात की बात है। ये सराहनीय चीज़ है कि भाजपा कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन जो भाजपा ने भी सवाल खड़ा किया, लेकिन जो भाजपा ने अपने एक्सपेक्टेशंस इतनी ऊपर कर दी थी कि हम सरकार भी बनाएंगे, भाजपा ने, या जो इस तरह माहौल बन गया था, तो उससे लोग आज तारीफ करने से भी गुरेज कर रहे हैं। लेकिन भाजपा ने खुद जो परफॉर्मेंस दी है बहुत सराहनीय है, कहाँ पहुँच गए वो, कहाँ थे महाराष्ट्र में, लेकिन आंधी लहर की जो बात चल गई थी ना, मीडिया में भी चल गई थी, भाजपा के भीतर से भी चल गई थी, वो आज नहीं आई है, तो लोग कह रहे हैं कि
इस चीज़ के ऊपर तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं कि उसके तीन में आंकड़े चले गए, यानी कि 112-113 के जो तरफ जो जा रहे हैं, तो लोग उस पर कुछ उसको परवाह ही नहीं कर रहे। राशिद साहब, बहुत चोट की आप लोगों ने कि प्राइम मिनिस्टर को भाषण देने इस रूप में तो नहीं उतरना चाहिए था। कांग्रेस के नेता जगह जगह इस बात का जिक्र कर रहे थे और हमारे ख्याल से एनसीपी भी कर रही थी, शिवसेना भी कर रही थी, और ये पूरा चुनाव सिमट गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के इर्द गिर्द ही। उन्हीं की जीत है, उन्हीं की हार है, वही प्रचार कर रहे हैं, वही नाम ले रहे हैं, उन्हीं के जरिए सारी चीज़ें हो रही है। इस स्थिति में बीजेपी की जीत और ये प्राइम मिनिस्टर की जीत मानी जाए या ना मानी जाए? राशिद साहब, आवाज आ रही है हमारी? बहरहाल आवाज नहीं जा रही है। हम उससे पहले चर्चा को और आगे बढ़ाएं, जरा सा जानकारी दे दें कि तमाम एग्जिट पोल में वाकई इस बात का जिक्र था कि जो किसी भी हालत में बहुमत 109 सीट जो है बीजेपी प्लस को है। बीजेपी प्लस से मतलब बहुत साफ है, इसमें उनके सहयोगी दलों का भी जिक्र है, जिन चार सहयोगी दलों को टिकट दिए गए उनका भी जिक्र है। शिवसेना 62 सीट पर चुनाव में आगे चल रही है, 67 सीट उसका एक तरह से टारगेट रहा है इससे पहले का। कांग्रेस 50 पर पहुंच गई है, एनसीपी 45 पर है, और लगातार एनसीपी के नेता जिक्र भी कर रहे हैं कि हम देखिए 50 तक तो हम आंकड़ा छू लेंगे। एमएनएस के लिए घाटा है, वो 4 पर आ गई है, कम हो गई है। अन्य 19, पिछली बार 27 थी, वो इस बार 19 पे नज़र आ रही है। लेकिन हरियाणा में खुले तौर पर बहुत साफ मैंडेट बीजेपी के हक में आए, 48 सीटों पर आगे चल रही है। हुडा साहब जो दावे कर रहे थे उस बात की हकीकत शायद दिल्ली में। फार्मूला नंबर 1, कई फार्मूला है महाराष्ट्र में सरकार बनाने के मद्देनजर। बीजेपी और शिवसेना मिल जाए तो सरकार आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि ये दोनों मिलकर 170 सीट पर पहुंच जाते हैं। फार्मूला नंबर 2, बीजेपी एमएनएस प्लस अन्य, अगर इसको आप मिलाते हैं तो शिवसेना 62 सीट, एमएनएस 4 66 और अन्य 19, यानी लगभग 85 सीट हुआ और इज इक्वल टू सरकार। मुश्किल है ये फार्मूला, इससे काम चलेगा नहीं। फार्मूला नंबर 3, बीजेपी प्लस एनसीपी, ये एक फार्मूला भी है, क्योंकि एनसीपी क्या वाकई मिल सकते हैं? ये पूछेंगे जरूर हम, उन्होंने बहुत सीधे तौर पर माजिद साहब ने इनकार कर दिया कि ये संभव ही नहीं है। तो फार्मूला नंबर 3 को लेकर उलझन है। फार्मूला नंबर 4 एक खोजा जा सकता है जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सभी मिल जाए, इसका मतलब है ये बीजेपी वर्सेज ऑल की स्थिति है। ये स्थिति कैसे सहमति बनेगी, किस रूप में बनेगी, राजनीति या कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में कांग्रेस सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। और अगर ये फार्मूला आ जाता है और उसमें अगर उद्धव ठाकरे सीएम बन जाएं, कांग्रेस बाहर से समर्थन दे दे, एनसीपी समर्थन दे दे, एमएनएस साथ ही खड़े, ये सारी परिस्थितियाँ अगर हो जाएँ तो ये मैसेज शायद उस मैसेज के पैरेलल में जाएगा जो एक वक्त आप कह सकते हैं इंदिरा गांधी के खिलाफ नेताओं का एकजुट होना, राजनीतिक दलों का एकजुट होना, या बिहार में जिस तरह हम देख रहे हैं, या यूपी में जिस तरीके से मायावती चुनाव नहीं लड़ती है तो मुलायम को फायदा हो जाता है। ये एक खतरे की घंटी हो सकती है बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर समीकरण और आंकड़ों के लिहाज से सत्ताएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, तो फिर ऐसे फार्मूले चलने लगेंगे। ये फार्मूले, संजय हम जाएं नेताओं के पास बातचीत करने के लिए, ये फार्मूले कितने लंबे टिकते हैं या टिक सकते हैं? आपकी विचारधारा एक नहीं है लेकिन सत्ता चाहिए, इसलिए हमारे आंकड़े मिलकर एक हो जाए। देखिए, ये पार्टियों के अपनी नीड्स पे डिपेंड करती है। अगर पार्टियों को लगता है कि नहीं सत्ता में रहना है तो कई तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। अगर विचारधाराओं का मेल ना भी हो तो भी सत्ता में रहना है, सरकार चलाना है, तो सत्ता में रहने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये लॉन्ग रन में कि बहुत लंबी इसकी राजनीति हो ऐसा दिखाई नहीं। लालू और नीतीश का एक साथ आना, बिल्कुल मुझे लगता है एक शॉर्ट रन में तो ठीक है, बीजेपी को रोकना है बिहार में, दोनों साथ आ गए, कांग्रेस भी साथ हैं, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक चलेगी ऐसी राजनीति ऐसा मुझे दिखाई नहीं। देखिए, लालू नीतीश का गोत्र राजनीति गोत्र एक है, लेकिन शिवसेना और कांग्रेस का गोत्र ही अलग है। दो गोत्रों में विवाह राजनीति में हो जाए तो दोनों की बर्बादी होगी। यहाँ पे शिवसेना और कांग्रेस दोनों के लिए आत्मघाती होगा, दोनों का समर्थन आधार समाप्त हो जाएगा, और ये भारतीय जनता पार्टी को दो तिहाई बहुमत आगे लाने के लिए रास्ता प्रशस्त करेगा, क्योंकि सरकार तो चलेगी नहीं,
छह महीने चलेगी, आठ महीने अगर चौथा भाग जी। ये चर्चा अगर आप बिहार में कर रहे होते ना, अभी तक मार हो गई होती। आपने जो कहा कि दोनों का गोत्र एक है, आप समझ रहे हैं सियासत कितनी पैनी है बिहार और यूपी की। एक संकट अगर खड़ा हो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी शैली के चलते हुए ये कहें कि हमें चूंकि नहीं मिला है बहुमत और हम सरकार नहीं बनाएंगे, जिनको बनानी हो बनाएं, तब आप देखिए कितना बड़ा संकट खड़ा होता है। क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस तो एक हो नहीं सकते, एनसीपी के कुछ लोग टूट करके अगर बना लें, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी तय करे अपनी जिद में, जिस ढंग की राजनीति अभी अमित शाह कर रहे हैं, तो एक बड़ा संकट भी खड़ा हो सकता है। ये आप हमारे साथ श्रीकांत शर्मा, चूंकि बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं। श्रीकांत शर्मा जी, हमें जहाँ तक याद है, जब अमित शाह जी को बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया था तो ये बात खुलकर आई थी कि यूपी में वो चुनाव जिता सकते हैं, यानी चुनाव जिताने की स्थिति में अमित शाह हैं और बीजेपी एक ऐसे अध्यक्ष को इस बार ले रही है जो कि चुनाव जिता सकते हैं। महाराष्ट्र में अगर ये फेल हो गया, और हमें तो ये भी याद है कि आरएसएस की तरफ से ये बात भी निकल कर आई थी कि चुनाव जीतना कितना महत्वपूर्ण हो गया इस दौर में और राजनीतिक सक्रियता किस रूप में आरएसएस दिखाई थी। लेकिन हमारा सवाल आपसे ये है, यूपी में जो जिस रूप में मैन ऑफ द मैच होकर निकले अमित शाह, महाराष्ट्र में फेल हो गए, ये मानने की स्थिति में आप लोग हैं? देखिए पन्नू प्रसन्न जी, एक बहुत बड़ी जीत बीजेपी इसको मानती है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अमित भाई शाह के नेतृत्व में। हरियाणा एक ऐसा राज्य जहां चार विधायक हमारे होते थे 2009 में, आज वहां पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बन रही है। वहीं महाराष्ट्र में 119 टोटल हम लोग सीट लड़ते थे और वहां 46 सीटें हम लोग जीते, और आज ये आंकड़ा कहीं डबल से भी आगे जा रहा है। तो बीजेपी इसको बहुत बड़ी जीत मानती है। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में थी 15 साल से, एनसीपी और कांग्रेस, वो तीसरे पायदान पर आपको दिखाई दे रही है, वहीं हरियाणा में तीसरे पायदान पर दिखाई दे रही है। तो ये हवा जो बदलाव की है विकास और सुशासन की, अब ये जनता मान चुकी है कि आप भ्रष्टाचार और कुशासन से लोग निजात चाहते हैं, लोग सुशासन चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं। और नरेंद्र भाई मोदी इस देश में विकास की और सुशासन के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। तो ये सब लोग मिलकर कहीं ना कहीं हरियाणा की तरक्की के लिए। महाराष्ट्र में रुझानों का आंकड़ा बीजेपी के लगातार नीचे जा रहा है, 108 पर बीजेपी प्लस। इसमें सिर्फ बीजेपी नहीं है बल्कि उसके साथ चार सहयोगियों का भी जिक्र है, वो हम अभी तक बाइफर्केट नहीं कर पा रहे हैं कि किस किस सीट पर उनके सहयोगी आगे चल रहे हैं। लेकिन श्रीकांत जी, इस सवाल को हम जरा सा आगे बढ़ाना चाहेंगे। ये चुनाव के रुझान लग ऐसे रहे कि आपने शिवसेना को हराया है, आपने कांग्रेस एनसीपी को नहीं हराया है, सत्ता आपको मिली नहीं, गठबंधन में जितनी सीटें मिलनी थी आपने ज़्यादा लेकर जीत हासिल की, शिवसेना हारी, बीजेपी जीत गई, लेकिन सत्ता आपके हाथ में नहीं है। प्रसून जी, हमारा मकसद महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस का जो कुशासन है, मैं फिर आपको रिपीट करूंगा, महाराष्ट्र की जनता को 15 साल से जो बंधक बना के रखा था उनसे मुक्त करना था। और इसीलिए हमारा पूरा कैंपेन सकारात्मक कैंपेन रहा, और हमने कहीं ना कहीं लोगों को ये बताने की कोशिश की कि महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहा है और एनसीपी और कांग्रेस कौन बनेगा अरबपति का गेम खेल रहे हैं। वहाँ 40% औद्योग बंद हो रहे हैं क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पावर नहीं है, जॉब्स नहीं है, और अपराध में महाराष्ट्र नंबर वन हो रहा है। तो हमारा टारगेट एनसीपी कांग्रेस का कुशासन था, हमारा टारगेट शिवसेना कभी रहा नहीं। और जहां तक आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, गठबंधन का पूरा प्रयास हमारा था, हमने गठबंधन नहीं तोड़ा। लोकसभा में 282 सांसद हमारे आए, उसके बावजूद भी शिवसेना के भी हमारे गठबंधन में मंत्री हैं और अकालियों के भी हमारे गठबंधन में मंत्री हैं। तो ये आप आरोप हम पर नहीं लगा सकते, हमारा पूरा प्रयास था कि हम गठबंधन के माध्यम से महाराष्ट्र में चुनाव लड़ें, लेकिन हो सकता है शिवसेना की कोई बाध्यता रही होगी, क्योंकि हमारा जीतने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है हम इसलिए कह रहे हैं, उसी हम श्रीकांत जी हम इसलिए कह रहे हैं, हमको लगता है इसमें थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल होइए। लोकसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे थे, इस चुनाव में लगातार नरेंद्र मोदी ने 21 रैली की महाराष्ट्र में। हमारा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में आप 248 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आगे थे, आप और शिवसेना मिलकर, और आज की तारीख में आप 168 सीट पर आगे चल रहे हैं, दोनों मिला दिए जाएं तो भी आप लोगों ने लगभग 80-81 सीट लूज की है विधानसभा की। और इसी बात का जिक्र शिवसेना आपसे कर रही थी कि जनाब लहर है लेकिन हम साथ में खड़े हैं तो ही महाराष्ट्र में रिफ्लेक्ट हो रहा है, अब वो आपके साथ नहीं है तो आप लोगों ने लगभग 80 विधानसभा की सीट गंवाई है, हम आपसे ये कह रहे हैं। प्रसन्न जी, आपका आकलन है अपना,
लेकिन हमारा आकलन यह है कि गठबंधन में हम 119 टोटल सीट लड़ते थे और यही निवेदन हमारा शिवसेना को था कि भाई हम पिछले विधानसभा चुनाव में 119 लड़े, 40 जीते और लोकसभा में भी हमारी अच्छी रहा परफॉर्मेंस, तो हम कम से कम सीटों के बंटवारे पर जो विनिबिलिटी है उसके आधार पर हम लोग आकलन करें, लेकिन शायद वो 151 से नीचे आने को तैयार नहीं थे, शायद इसलिए उन्होंने हमारा जो फॉर्मूला था उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर हमने अकेला जाना तय किया और परिणाम आपके सामने है। टोटल 119 सीटों पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी आज 100 से ऊपर सीटें जीत रही है और हमारा जो आकलन है 115 के आसपास हम लोग वहाँ हैं, तो मैं मानता हूँ कि बड़ी जीत है राष्ट्रीय नेतृत्व की, भाजपा की, नरेंद्र भाई मोदी की और अमित शाह जी की। हम तो उसको उस आकलन से देख रहे हैं, आपको आकलन करने का अधिकार है, आप आकलन करें, लेकिन हमारी बड़ी जीत हम इसमें महाराष्ट्र में अपने लिए देख रहे हैं। नहीं, यकीनन बीजेपी जीती है, हमारे साथ शिवसेना के नेता भी जुड़ गए हैं। देसाई साहब, क्या ये माना जाए कि शिवसेना अब दोबारा बीजेपी के साथ खड़ी होगी और सरकार में शरीक होगी, इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा? जी देसाई साहब, हमारी आवाज आ रही है अब तक? काफी धीमी। हेलो, अच्छा, हम बहुत तेज कहते हैं, अब जरा सुनिए। शिवसेना के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके सरकार में अगर जुड़ना है तो बीजेपी के साथ वो चली जाए, तमाम आरोप प्रत्यारोप दुराग्रह सब दूर किया जाए और साथ ही खड़े हो लिया जाए, ये वोटरों के साथ धोखा तो नहीं होगा और जाना ही है ना अब तो? जिस प्रश्न को आपने सवाल जिस तरह से आपने पूछा है, शिवसेना को अभी आधे राउंड्स हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे हुए, अभी आधे राउंड्स बाकी हैं और उम्मीद करते हैं शिवसेना की जो भी सब्सटेंशियल टैली बढ़ेगी, अच्छा नंबर आएगा। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के लोगों ने ये मैंडेट दिया हुआ है, तो ये मैंडेट शिवसेना और बीजेपी के लिए जाहिर दिखता आ रहा है। अभी घंटे दो घंटे में और चित्र स्पष्ट होगा। और जिस तरह से आपने ये प्रश्न पूछा है कि हमारे पास में, तो महाराष्ट्र की जनता के हित में जो भी रहेगा उसके लिए बीजेपी के नेतागण जिस तरह से कल परसों और हमारे शिवसेना के भी नेतागण के एक बात तो जाहिर की है दोनों साइड से कि जब इलेक्शन की वोटिंग हो गई, इलेक्शन के वोटिंग होने के बाद में इलेक्शन प्रचार के दरमियान काफ़ी बूंदाबांदी हो गई, जो भी टोकाटोकी था वो भी ख़त्म हो गया और ये जो कटुता थी वहीं पे ख़त्म हो जाती है एक बार वोटिंग होने के बाद में। और अब जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता चाहती है, जिस तरह से उनका मैंडेट होगा, जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता ने कॉल दिया है, उसको नज़र रखते हुए बीजेपी नेतागण जिस तरह से उद्धव जी के पास में शिवसेना पक्ष प्रमुख के नाते बात करेंगे और 25 साल की एलआई है, जो भी गठबंधन काफ़ी मजबूत रहा है, और उसको देखते हुए जब प्रपोजल होगा उसके बारे में उद्धव जी सही निर्णय महाराष्ट्र की जनता को, जनता का हित देखकर करेंगे। महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी की 15 साल की सरकार जिसने महाराष्ट्र को पीछे ले गए थे उसके खिलाफ उसको नकारा है और सामने बीजेपी और शिवसेना का एक विकल्प सामने ला के उभर के आएगा और स्पष्ट भी होगा और जहाँ पे नंबर खड़े होंगे उस हिसाब से बातें होंगी और ज़रूर महाराष्ट्र की जनता के हित में निर्णय होगा। देसाई साहब, पूरा देश सुन रहा है आपको, महाराष्ट्र, एक मिनट जरा जावड़ेकर साहब को सुन ले वो क्या कह रहे हैं। देश में आप वोट सही तरीके से करो, लोगों ने शिवसेना से समर्थन लेंगे, शिवसेना से समर्थन लेंगे, क्या कांग्रेस मुक्त भारत चल रहा है? बिल्कुल, तो ये थे प्रचार। हर जगह मामला यही उलझा हुआ है कि सरकार बनेगी कैसे। अब देसाई साहब, पूरा देश सुन रहा है, अब जरा बताइए, जब गठबंधन टूटा तो महाराष्ट्र के जनता के हित में टूटा, उद्धव ठाकरे का बयान है। अब जब आप सरकार बनाने की बात आ रही है तो महाराष्ट्र की जनता के हित में आप बीजेपी के साथ मिलने का जिक्र कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके घर के मामले बन चुके हैं, माने वोटर का मिजाज, वोटर का दिमाग, वोटर की भावुकता, वोटर के इमोशंस कोई मायने नहीं रखते हैं। जब चाहे तब आप बोलेंगे महाराष्ट्र की जनता के हित में ये था और महाराष्ट्र की जनता में हित में वो था। इस तरह से, मेरे ख्याल से इस तरह से आप कह रहे हैं, आप अगर उसका लिटरल मीनिंग देखेंगे तो उद्धव जी ने भी ये कहा था कि हमने उस वक्त, अब कोई इस बात का मायने नहीं रहता कि गठबंधन क्यों टूटा, कैसे टूटा,
लेकिन हमने तो पूरी कोशिश की थी कि गठबंधन बरकरार रहे, लेकिन कुछ बातें हो गई, हम उसको कहते हैं इट वॉज अनफॉर्चुनेट। लेकिन अब जब चित्र सामने आया है तो महाराष्ट्र की जनता ने जो भी मैंडेट दिए उसका रिस्पेक्ट तो करना होगा, और महाराष्ट्र की जनता ने जो ये मैंडेट देने में कांग्रेस राष्ट्रवादी को किनारे कर दिया है, कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार 15 साल से जो जिस तरह से महाराष्ट्र को पीछे ले गई उसको किनारे करते हुए उन्होंने जो विकल्प दिया है, जो एक अल्टरनेट सामने लाया है, बीजेपी और शिवसेना, तो बीजेपी और शिवसेना का जब ये चित्र आएगा तो टू रिस्पेक्ट दैट मैंडेट गिवन बाय द पीपल ऑफ महाराष्ट्र, एक अगर इस तरह की प्रपोजल्स और ऑफर्स होते हैं तो एक महाराष्ट्र की जनता के हित में जरूर निर्णय होगा।